आप अपने रसोई घर की चीजों से काफी मजा कर सकते हैं, जैसे कि एक सेंट्रीफ्यूज बना सकते हैं। आपको चाहिए रंगीन पानी, तेल, प्याला और कुछ स्टील की गोलियां। सबसे पहले इस प्याले पर तीन डोरियों को टेप की सहायता से चिपका दीजिए, जिससे कि आप उसे हवा में उठा सकें। इसमें अनूठा क्या है? तीन स्थान। अगर आप डोरी को दो स्थानों पर ही लगाएंगे तो आप प्याला संतुलित यानी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। प्याले को एक ही दिशा में घुमाते जाइए जितना आप घुमा सकें। अब प्याले में कुछ स्टील की गोलियां डालिए और उसे डोरी से ऊपर उठा लीजिए। प्याला दूसरी दिशा में इतनी तेजी से घूमने लगेगा कि आप स्टील की गोलियों को किनारे पर जाते देख सकते हैं और कुछ तो बंदूक की गोली समान उड़कर बाहर आ जाएंगी। देखिए ये गोलियां किस तरह एक बढ़िया तरीके से गोलाई में लग गई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जो कि प्याले की गति पर निर्भर करता है, स्टील की गोलियां किनारे की तरफ चली जाती हैं और प्याले के फ्रिक्शन या घर्षण के कारण वहीं रहती हैं। यह सेंट्रीफ्यूज का मूल सिद्धांत है। अब प्याले में थोड़ा सा रंगीन पानी डालिए और फिर थोड़ा सा खाने वाला तेल मिला दीजिए। इन दोनों की डेंसिटी या घनत्व अलग अलग है। तेल हल्का है, इसीलिए आप इसे पानी पर तैरता हुआ देख सकते हैं। फिर से प्याले को घुमाइए और बल डालिए। अब जब आप उसको छोड़ेंगे तो आप एक बहुत बढ़िया सेंट्रीफ्यूज देख सकते हैं। पानी जो कि सघन है बाहर की ओर भाग जाता है, खाने का तेल बीच में ही रहता है। देखिए कुछ भाग नारंगी है, यहाँ पर दोनों एक साथ है और बीच में कुछ भी नहीं है सिवाय प्याले के सफेद पेंदे के। तो इस तरह आप यहाँ सेंट्रीफ्यूज में चार रंग देख सकते हैं। असल में अगर आप इसमें और अधिक बल डाल देंगे तो पानी प्याले से बाहर भी आ सकता है। ये है रसोई घर विज्ञान और आप इस सेंट्रीफ्यूज से खेल भी सकते हैं।